हेलो दोस्तों, टेक महेंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक यूनिक ट्रिक लेके आया हूँ, जो ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। किस तरह से आप अपने डायलर को आप चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप अपने डायल पैड को लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा कर उनको आप चौंका सकते हो। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो इस यूनिक ट्रिक के बारे में, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। चलो दोस्तों, बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दोस्तों एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। अपने डायल पैड को लॉक कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आप अपनी फ़ोटो लगाने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखा देंगे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आप डार्क मोड आप अनेबल कर सकते हो, आपको नीचे आना है। यहाँ से दोस्तों आप डायल पैड पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, यहाँ से आप कॉल लॉक पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। अपनी फ़ोटो लगाने के लिए डायल पैड पे आप क्लिक करके अपनी गैलरी से आप एक फ़ोटो ऐड कर लीजिए। दोस्तों मैं एक फ़ोटो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फ़ोटो ऐड कर ली है। ऐड होने के बाद में डन पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक होने के बाद में सेव हो चुकी है। अब दोस्तों मैं कॉल लॉक पे क्लिक करके कॉल लॉक पर भी मैं फ़ोटो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। गैलरी पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटो ऐड कर ली। ऐड होने के बाद में पे क्लिक कर लीजिए। मेरे मैंने क्लिक कर लिया। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी आपको फोटो ऐड करके दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। गैलरी पे क्लिक करके एक फोटो आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो ऐड कर लिया। ऐड होने के बाद में यहाँ से आप अपने हिसाब से आप सेटअप भी कर सकते हो। सेटअप होने के बाद में डन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने डायल पैड को लॉक कॉन्टैक्ट लिस्ट पे मैंने फोटो ऐड कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, डायल पैड पे फोटो ऐड हो चुकी है, कॉल लोगों पे फोटो ऐड हो चुकी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी फोटो ऐड हो चुकी है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की और 10 एप्लीकेशन दोस्तों। इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट डायल पैड पे आप अपनी फोटो लगा सकते हो और फोटो लगा के आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो बहुत ही आसानी से। आपके दोस्त आपसे बोलेंगे यार प्लीज मुझे भी बताओ आपने कैसे सेटअप किया है। अब दोस्तों जान लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कोई से ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको टाइप करना जेनरल डायलर एंड कॉन्टैक्ट ऐप लिख के आपको टाइप करने में टाइप कर दिया है। टाइप होने के बाद में आपको नीचे आना और यहाँ पर लिखा जेनरल डायलर एंड कॉन्टैक्ट फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक होने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। आपको नीचे आना और यहाँ पर लिखा डाउनलोड एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको पहले डाउनलोड कर लिया था। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद है। पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।